चंदन तपाड़िया भी है हमारे साथ। चंदन, अल्ट्राटेक सीमेंट रिजल्ट्स के बाद कैसा लग रहा है? देखिए, स्टॉक ऑलरेडी पहले से अपनी होल्ड बनाए हुए हैं। हालांकि जरूर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली थी, बट जिस हिसाब से अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और मोस्ट ऑफ द सीमेंट काउंटर्स में पिछले चार महीने में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल भर से सीमेंट काउंटर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट जिस हिसाब से अब दूसरे काउंटर भी परफॉर्म करने लगे हैं, लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये स्टॉक पहले से एक आउट परफॉर्मर रहा है और मेरा मानना है कि 35 देखिए, अगर आप देखिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है, देखिए एक बार एक एक करके मैं फिर से नंबर देखना चाहूँगा। टॉप लाइन एज पर द एक्सपेक्टेशन करीब 6538 करोड़ रुपए। आप आगे आइए और एग्जैक्टली अगर आप देखें नंबर्स को थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं और यहाँ पे एबिटा अप्रॉक्सीमेटली 23%। और देखिए स्ट्रीट का बिलीव था करीब करीब 21.5। मैं जनरल कंसेंसस की बात कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली इजी बिजनेस की। और अल्ट्राटेक की अगर आप देखें यहाँ पर एबिट को देखें, लगभग 23% बढ़कर लगभग 1422 करोड़ रुपये रहा। तो ये रिजल्ट्स अच्छे थे। और दूसरी बात यह है प्राइसिंग, देखिए इन्होंने क्या किया ना, कैपिटलाइज किया इन्होंने नॉर्थ इंडिया में और जहाँ पे प्राइसिंग और डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर नैन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी सर? अब देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट Q3 से Q4, Q4 से Q1 ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1050 रुपये का मुँह दे चुका है, लेकिन इन नंबर्स के साथ सर कितनी लगती है आपको कि वाइब्रेंसी सीमेंट में बनी रहेगी? और अगर आप थोड़ा सा जाएं मिड कैप की तरफ, वहाँ स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको इस वक्त जो लेने लायक हैं? सीमेंट में डिमांड डेफिनेटली ग्रो हो रही है, लेकिन कैपेसिटी अभी भी ज़्यादा है। और आपने डिमांड ग्रोथ भी है वो 7% के आसपास ही आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि एक्चुअल ग्रोथ आपको सीमेंट शायद साल भर बाद नज़र आएगी, जब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरा ऑन स्ट्रीम हो जाएंगे। उस समय जो है होपफुली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी आपका 70% से ऊपर हो चुका होगा, जब आप प्राइस इंक्रीज भी ले सकते हैं। तो इस वक्त जो है आप थोड़ा सा एडवांस में जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड है फ्रंटलाइन कंपनीज की। मिड कैप में भी थोड़ा सा बेटर वैल्यूएशन है, लेकिन वो भी कोई सस्ते नहीं है। और आपने पिछले एक महीने में देखा करीब करीब सारी कंपनियां कम से कम 10% बढ़ चुकी हैं शेयर प्राइसेस में। तो इस वक्त हालांकि सीमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेता है तो उसमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, लेकिन इस वक्त फ्रेश मनी इन्वेस्टमेंट करना, इस वक्त मेरा मानना है कि अभी थोड़ा रुक के करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए अब कुछ वो स्टॉक्स हैं जो कि इस समय 52 वीक हाई पर है और काफ़ी अच्छा मूव दे रहे हैं। एक तो कैपिटल फर्स्ट 6.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है इस समय। 1% बेवरेजेस है, ये भी ऑलमोस्ट 700 के पार ये गया भी था, 713 तक जाके घुमा है वहाँ से, अब 697 के आसपास। फिर एक है अतुल, इस काउंटर पर अच्छा मूव देखने को मिला है। जेके लक्ष्मी सीमेंट्स, इसने आज एक नया हाई बनाया है। खैर हाई तो चलिए अल्ट्राटेक का भी बना है। और कुछ काउंटर्स जिस पर अच्छा मूव है इसमें बजाज फिनसर्व, ये करीब 1.5% ऊपर, और ताज जीवी के 6.5% ऊपर इस समय एक नए हाई पर ट्रेड करते हुए। चंदन, इनमें से कोई आपके रडार पर है क्या काउंटर? जी हाँ, कैपिटल फंड्स हमारे रेडार पे, और इनफैक्ट हम अपने क्लाइंट्स को आज सुबह रिकमेंड कर चुके हैं। डेली चार्ट पे देखिए एक पोल एंड फ्लिक पैटर्न बना है और सुबह आज वॉल्यूम 2 लाख के आसपास हो चुका था और अब वॉल्यूम लगभग 6 लाख के आसपास हो चुका है। लाइफ टाइम हाई की तरफ चल रहा है और लाइफ टाइम हाई की तरफ जब एक डेली में पॉजिटिव एक्शन पैटर्न दिखता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेरा मानना है कि अभी भी स्टॉक में 680 तक जाने की गुंजाइश है। हमारी रिकमेंडेशन इस स्टॉक में लगभग 635 के आसपास थी, ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। मेरी सलाह ये रहेगी कि जब तक 635 होल्ड करता है इस काउंटर को होल्ड करें, 680 तक के लेवल ऊपर में देखे जा सकते हैं। जेके लक्ष्मी की बात करें, जेके लक्ष्मी सीमेंट ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद में 410 के लेवल को पार करके उसके ऊपर होल्ड करने की प्रयास कर रहा है और 410 के ऊपर यदि आज क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो इसका जो जनवरी 2015 का हाई है 430 वहाँ तक जाने की गुंजाइश रख सकता है। तो इन दोनों काउंटर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और मनपसंद भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, बट प्राइस पैटर्न काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग है। लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ काउंटर को 725 तक जाने की गुंजाइश है। तो कैपिटल फर्स्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बाकी ये दोनों काउंटर में भी 5-7% की रैली आ सकती है। इस बीच आप देखिए PVR, मिहिर और मैं सुबह इनफैक्ट बात ही कर रहे थे और मिहिर ने इनफैक्ट बहुत सारी बातें बताई भी थी मुंबई के सिनेमा लवर्स के बारे में, बाकी साउथ इंडियन के। PVR एट ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट, आप देखें सिर्फ मेरे ख्याल से इंट्राडे हाई था 1070 का, ये इसका ऑल टाइम हाई है, याद रखिएगा एट ऑल टाइम हाई, कबाली के बस के बीच में। एक और चीज़ है मिहिर, एक बार आप देखिए फुटफॉल कितने अच्छे होते हैं अब यहाँ पर,
एक तो बॉलीवुड मूवीज और दूसरी बात जो है हॉलीवुड की जो रिलीजेस है ना उनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलता है। तो आपको याद होगा पिछली बार जब हमने बात भी की थी इनके मैनेजमेंट से, इन्होंने खुद ही कहा था कि लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है। सुल्तान के पीछे कबाली है, उसके पीछे आई थिंक ऋतिक की एक फिल्म आ रही है अगस्त में, मोहनजोदड़ो आ रही है, और उसके आगे भी स्ट्रॉन्ग है, आमिर खान की फिल्म है, रणबीर कपूर की है। तो आई थिंक ये साल पर अब वही है वैल्यूएशन के लिहाज से, आनंद वैल्यूएशन के लिहाज से अब यहाँ पर यही है कि यू नो हर बार जब एक फिल्म आती है तो स्टॉक जो है वो थोड़ा भागना शुरू कर देता है, बट एट सम पॉइंट यू नो वन हैज़ टू लुक एट वैल्यूएशंस। आपका व्यू क्या है एग्जीबिशन स्टॉक्स पे? देखिए जब तक कंटेंट बढ़ता रहेगा तब तक एग्जीबिशन स्टॉक्स भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आप रियल वैल्यू देखें तो वो हमेशा कंटेंट में होता है, बिकॉज आईपी जो है वो कंटेंट कंपनीज में है। ये अलग बात है कि इस वक्त हमारे पास एक कंपनी है जो मोर और लेस मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठी हुई है, जितने न्यू मूवी थिएटर्स हैं तो उसके कारण उनको प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन ये जब तक कंटेंट चलता रहेगा तब तक ये स्टॉक चलता रहेगा। अगर कंटेंट वीक होना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली फुटफॉल कम हो जाएंगे, बाकी बिजनेस जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। सर अभी ये जो एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ टंडन साहब आपसे कि इन्फोसिस ने जो किया, हालांकि देखिए इन्फोसिस ने जो किया वो शायद थीसिस से काफ़ी खराब देखें ज़्यादा डैमेजिंग था, FY17 का जो आउटलुक उन्होंने रिड्यूस किया है सर, इसके बाद इस स्पेस को सर आप कैसे देखेंगे? आई मीन इन्फोसिस नाउ इज डाउन अबाउट 200 रुपीज फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, 1080 का प्राइस आपको इस समय लुक्रेटिव लगता है, फायदेमंद लगता है, एंट्री पॉइंट इसमें अच्छा मिल रहा है या फिर नहीं? अब इन सर्कमस्टेंसेज में आप थोड़े और डाउनसाइड की बात कर सकते हैं। देखिए जहाँ तक आईटी का सवाल है, बिजनेस आउटलुक बड़ा वीक नज़र आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी अगर आप क्षेत्र देखें तो उसके लिहाजे से आईटी क्षेत्र में वैल्यूएशन भी तो थोड़ा मोर रीजनेबल नज़र आता है, क्योंकि इसमें कोई कंपनियों में डेट नहीं होती है और कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो 15 से 17 टाइम ही फ्रंट लाइन कंपनियाँ ट्रेड कर रही हैं, जबकि अगर आप मार्केट को खुद देखें इंडेक्स को तो वो 18-19 टाइम एक साल इस साल के अर्निंग्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, वो भी ये अज्यूम करते हुए कि 15% का ग्रोथ ओवरऑल मार्केट में आ जाएगा, जो कि अभी गारंटीड नहीं है। हर साल वो हमेशा साल के मिडिल में वो लोग फिर से एनालिस्ट वापस कम करना शुरू कर देते हैं एस्टिमेट्स।